हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस में ब्लूहोस्ट होस्टिंग की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है दोस्तों, जिसके लिए आप ब्लूहोस्ट के साथ जा सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह बहुत ही रिलायबल कंपनी है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी रेट पर आपको होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ इसके हर होस्टिंग प्लान के साथ आपको डोमेन फ्री में अवेलेबल होता है 1 ईयर के लिए। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया के अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसे आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि wordpress.org वेबसाइट खुद इसे रिकमेंड करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनको टोल फ्री नंबर भी मिल सकते हैं और अच्छा इनका चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड आप सोल्यूशन पा सकते हैं होस्टिंग में। तो इनके जैसे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग, शेयर होस्टिंग और ई कॉमर्स होस्टिंग के 3 प्लान अवेलेबल है। तो अब मैं आपको वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो इसके प्लान के साथ जा सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके बेसिक प्लस और चॉइस प्लस 3 प्लान अवेलेबल है। तो 179, 299 और 299 जैसे आप प्लान देख सकते हैं पर मंथ में। तो अगर बेसिक प्लान में जाए तो आपको 1 वेबसाइट मिलती है और US और इंडिया के सर्वर दोनों अवेलेबल है। आप जाए जो चाहे वो आप इसमें यूज़ में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी बैंडविड्थ अनलिमिटेड है और साथ साथ 50 GB SSD स्टोरेज है। और साथ ही साथ जो इनका सपोर्ट भी है वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और डोमेन ऑफ 1 ईयर के लिए आपको फ्री में मिलता ही है। डोमेन होता है वेबसाइट का एड्रेस, जिसे आप जो यूज़ में लेकर अपनी होस्टिंग में लगा के वेबसाइट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर क्रिएट अ न्यू डोमेन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना कोई भी डोमेन एड्रेस या नेम यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे .com, .in जो एक्सटेंशन आप यूज़ में लेना चाहे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस डोमेन .com इज़ अवेलेबल। तो इसलिए आपको ये जो नॉर्मल डिटेल है वो भरनी है और यहाँ पर जो आप 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर के लिए जो भी आपको सूटेबल हो वो प्लान खरीद सकते हैं। तो इनिशियल लेवल में तो आप 1 ईयर के साथ जा सकते हैं। इसको खरीदने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ इसमें आप आसानी से वर्डप्रेस या जुमला या कोई भी तरह के प्लगइन आप आसानी से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पर हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे ASTRA और साथ ही साथ एक प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है ASTRA। बहुत ही अच्छी थीम है दोस्तों, जो इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से बहुत तरह की वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट और भी बहुत तरह की वेबसाइट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इसको। तो इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे इंस्टॉल हो गई है। अब इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे और साथ ही साथ हम एक प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे ASTRA। इसका जो स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन होता है दोस्तों, तो उस में आपको बहुत सारे थीम्स हैं वो पहले से इंपोर्टेड मिलते हैं। तो उसको आप आसानी से इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट में इजी टू यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बहुत ही अपनी एलिगेंट पर बहुत ही अच्छी प्रीमियम वेबसाइट बना सकते हैं। साथ ही साथ जो वेबसाइट है दोस्तों, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव होती है और इनसे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से दिए हुए हैं, तो वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे इंस्टॉल हो गए, एक्टिवेट कर लेंगे इसको और जो हमारे सी लाइब्रेरी इस पर क्लिक करेंगे। और इसमें जो एलिमेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा ऊपर, जैसा आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंटर, उसमें एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू ही सारे जो है इसमें सिस्टम एक्टिवेट होंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इतने सारे इसमें फ्री थीम है, कोई भी आप इसमें हिसाब से अपनी थीम इंपोर्ट कर सकते हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, आपको कोई भी इसमें अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपको मतलब जो है बड़े बड़े डेवलपर भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप खुद ही अपनी वेबसाइट बना सकते हैं अब, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत ही इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी बहुत ही अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। बस आपको होस्टिंग और डोमेन परचेस करना होता है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। जिससे रिलेटेड हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर हमारे पहले से दिए गए हैं कि आपको कैसे आप ऐसी होस्टिंग और डोमेन खरीद सकते हैं। साथ साथ आप चाहे तो डोमेन रजिस्टर से भी आप अपनी होस्टिंग बाय कर सकते हैं अगर चाहे तो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं इतने सारे थीम हमारे पास पहले से अवेलेबल है।
जो कि सारी फ्री है। तो आप चाहे जिस हिसाब से, जैसे आपके पर्पज़ है उस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट के लिए आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर रेस्टोरेंट के लिए बनानी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ई कॉमर्स के लिए बनानी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब आपको कोई इशू नहीं होगा इस तरह की वेबसाइट में बनाने के लिए। बस आपको थोड़ा सा मतलब कस्टमाइज करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आपको मतलब टेक्स्ट कैसे एडिट करना है, वीडियो कैसे डालना है, इमेज कैसे सेट करनी है। तो वो आपको जो जनरल नॉलेज है वो होना ज़रूरी है, बाकी इससे ज़्यादा आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए। तो आपको जैसे ये देखा ही दे रही डिजिटल एजेंसी वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस पेज, सर्विस पेज, सारे इसमें इंटीग्रेटेड है दोस्तों। सिर्फ आपको एक क्लिक करना है इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे और जो पूरी वेबसाइट है दोस्तों वो इसके अंदर वेबसाइट में इंपोर्ट हो जाएगी। तो जो ये ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम। इंपोर्ट में टाइम लगता है दोस्तों, थोड़ा 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है, तो उसको भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है इस टाइम में भी आपको। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। जैसे आप देख सकते हैं इंपोर्ट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है। अब व्यू साइट पर क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कुछ किस तरह शो होगी। देख सकते हैं आप हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह शो हो रही है। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है। अगर आप कुछ नया बॉक्स डालना चाहते हैं, कुछ नई इमेज डालना चाहते हैं इस पेज के अंदर, तो वो आप कैसे डालेंगे। साथ साथ गैलरी में आपको कैसे सेटअप करना है तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे कि अब आप चेक कर सकते हैं जिस तरह की वेबसाइट है। अब ऊपर आपको एडिट विथ एलिमेंटर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एलिमेंटर जो प्लगइन है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो भी चाहे वो ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। साथ साथ आप इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और या फिर हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऊपर, फिर हम जो है रिस्पॉन्सिव है, फुल विथ है, उस हिसाब से हम अपना साइज सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप चाहे तो बैकग्राउंड इमेज आप इसमें चेंज कर सकते हैं। चाहे जैसी इमेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह के आप वेबसाइट बना सकते हैं आसानी से बिना कोई इशू के। आप जाए जो ऐसा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लिंक आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जैसे इमेज आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज जैसे आप देख सकते हैं इसमें आप अपनी सर्विसेज है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। साथ साथ कोई टेक्स्ट है तो वो भी आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि देख सकते हैं अबाउट अस का जो ऑप्शन है, सेक्शन है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इमेज है वो भी आप इसमें आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इमेज सेट हो गई है, चेंज हो गई है। ये यहाँ पे अगर आपके कोई कंपनी के साथ काम किया हुआ है तो उनके लोगों भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। PNG में आपको इनको लोगों को बनाना होता है। अब हैव अ प्रोजेक्ट ऑन माइंड, ये कुछ आप इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा के आप और इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं वेबसाइट को। अब जैसा आप देख सकते हैं गैलरी है, इस गैलरी को भी आप एडिट कर सकते हैं इसमें चाहे तो। आप और फोटो एडिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गैलरी लोड हो गई है। अब इसमें चाहे तो आप अपने हिसाब से इमेज ऐड कर सकते हैं, तो वो भी आसान है दोस्तों। सब्सक्राइब आपको जिसके दे रहा होगा वो भी आप इसके अंदर कुछ कोई बटन लिंक देना चाहे तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। या अपना यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का आपका चैनल है तो वहाँ पर भी आप इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप प्लस के निशान क्लिक करेंगे तो आप अपने चाहे जैसे उस हिसाब से आप बॉक्स है वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमने 2 बॉक्स का बनाया है तो पहले के अंदर हम इमेज डाल देंगे, सेकेंड के अंदर हम हेडिंग है वो टेक्स्ट डाल देंगे और उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं।
आसान है दोस्तों, कोई इशू नहीं होगा आपको इस तरह की वेबसाइट बनाने में। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हम इस हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट है, कुछ तो एक्स्ट्रा टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं। कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं दोस्तों आप। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है इस तरह की वेबसाइट बनाने में तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट है रेडी हो गई है अगर देखा जाए तो इनिशियली। अब हम कस्टमाइजेशन क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज क्लिक करेंगे तो आप इसका हेडर और फुटर वो चेंज कर सकते हैं। हेडर के अंदर जो मेन लोगो होते हैं या मेन्यूज होते हैं वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेन्यू बार होता है, यहाँ पे आप हिसाब से जो अबाउट है, सर्विस है, जो भी जो मेन मेन लिंक होती है वो मेन्यू के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और फुटर का भी मैं आपको बता देता हूँ। फुटर भी आप इसमें हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे क्विक लिंक्स तो आप यहाँ पे उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नई लिंक डालना चाहे, नई नेविगेशन मेनू डालना चाहे तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आसानी से। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस मेन्यूज में जाए तो आप कोई मेन्यू ऐड करना चाहे तो या मेन्यू सेक्शन में अपीयरेंस में आप देख सकते हैं, मेन्यू आप सिलेक्ट करके कोई भी मेन्यू आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ साथ आप पोस्ट अगर डालना चाहते हैं पोस्ट डाल सकते हैं, पेजेस बनाना चाहते हैं तो नया पेजेस बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दे तो ये अबाउट वाला एक पेज है, एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करके, तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं आसानी से। सिंपल है दोस्तों, जैसे हमने एलिमेंटर में किया था उसी तरह आपको इसी में भी एलिमेंटर से आपको एडिट करना है। आप चाहे तो रिव्यूज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, कोई इमेज आप चेंज करना है वो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ब्लू ओस होस्टिंग खरीदनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बहुत ही ट्रस्टेबल और रिलायबल कंपनी है जो आपको बहुत ही अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड करवा सकती है। तो इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।